नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के आगे शुरू किया गया धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। डॉक्टर संजू बाला शर्मा ने बताया कि 3 दिनों में सरकार ने उनकी मांग नहीं सुनी तथा सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान धरने को अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा, आर्यव्रत सेना, रतनगढ़ नागरिक परिषद व निजी शिक्षण संस्थान संघ ने भी अपना समर्थन दिया। इस मौके पर सरिता पड़िहार, भंवरी देवी, विनोद प्रजापति, पवन महर्षि आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ जिला बनाओ आंदोलन में आज दूसरा दिन है। सभी हम लोगों ने ये धरना 3 दिन का रखा है जो हमारा आज दूसरा दिन चल रहा है और हमारे धरने के अंदर आर्यव्रत हिंदू युवा सेवा ने और अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा ने और अखिल भारतीय हमारे निजी शिक्षण संस्थानों ने और अभिभाषक संघ ने सभी संस्थाओं ने हमें समर्थन दिया है और यह धरना हमारा रतनगढ़ का जिला बनना है तो यह सभी का हमारा यह पर्ण है कि हम जिला बना के ही उठेंगे और जिला बना के ही रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए कृषि बजट के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिले में जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन आज जिला परिषद सभागार में किया गया। इस दौरान जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि चूरू जैसे कृषि प्रधान जिले में किसानों के लिए संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उन्हें मिले, यह हम सभी की कोशिश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि किसानों से जुड़ी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी किसानों से संबंधित योजनाओं में उनसे संवेदनशीलता से पेश आए। तारनगर प्रधान संजय कसवा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कृषि बजट के रूप में एक जोरदार शुरुआत की गई है और इसका लाभ राज्य के किसानों को मिल रहा है। वहीं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम चौहान ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपस में समन्वय रखते हुए राज्य सरकार की मंशा के अनुसार किसानों को योजनाओं से लाभान्वित करें। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अजीत सिंह, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर मेवाराम, सहायक निदेशक डॉक्टर निरंजन चिरानिया आदि मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में गत 2 सालों से कृषि बजट अलग से पेश करने की परंपरा शुरू की गई है और इसी क्रम में कृषि बजट के बारे में योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए बजट के उपरांत कार्यशाला आयोजित की जाती है प्रत्येक जिले में। इसी क्रम में आज चूरू जिले में एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है जिसमें किसानों को बजट में क्या घोषणा की गई है, उनको क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी जा रही है ताकि वो किसानों तक इस जानकारी को पहुँचा दें और किसानों इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। आपका नाम? अजीत सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार चूरू। भारतीय जनता पार्टी गुरुवार को रतनगढ़ के पौदार गेस्ट हाउस में अपना 43वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाएगी। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता उक्त कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इंदौरिया ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर मंडल के सभी पदाधिकारी व बूथ अध्यक्ष अपने अपने घरों में पार्टी का ध्वज लगाएंगे। मंडल महामंत्री पार्षद रामकिशन माटोलिया ने बताया कि तत्पश्चात पोदार गेस्ट हाउस में समारोह का आयोजन होगा जिसमें वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी व बूथ लेवल के कार्यकर्ता शामिल होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने VC के माध्यम से राज्य के समस्त निर्वाचन अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के लिए निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक मतदाताओं का मतदाता सूची में पंजीकरण करवाएं तथा उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित करें। नॉन वोटर प्रोफाइल का पता लगाकर उन्हें मोटिवेट करें। कार्यक्रम संचालन में होने वाले इश्यू एड्रेस करें और हर टारगेट ग्रुप के साथ प्लान करते हुए कार्यक्रम की क्रियान्विति करें। गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अन्य विभागों के कर्मचारियों जैसे आशा सहयोगिनी, ANM व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजीविका सदस्यों आदि से समन्वय कर अधिक से अधिक मतदाताओं को प्रेरित किया जाए तथा उन्हें मतदाताओं को पंजीकृत करने का कार्य किया जाए। हनुमान जन्मोत्सव पर गुरुवार को रतनगढ़ क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शहर के श्री तालवाले बालाजी मंदिर, पंचमुखी बालाजी धाम, संकट मोचन बालाजी धाम, दास बालाजी मंदिर, श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सहित सभी मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदिरों में अखंड रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ,
एवं भजन कीर्तन का आयोजन भी होगा। वहीं बस स्टैंड स्थित श्री तालवाले बालाजी मंदिर से गुरुवार की शाम झांकी निकाली जाएगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः श्री तालवाले बालाजी मंदिर पहुंचेगी तथा रात्रि 8 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। चूरू स्थित ऊझा आदर्श विद्या मंदिर में आज पुरस्कार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने बताया कि गत दिनों सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में चूरू नगर में संचालित सभी आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा नई शिक्षा नीति के निमित्त एक भव्य शिशु बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के लगभग 35 विद्यार्थियों ने भाग लिया एवं श्री राम नवमी पर आयोजित भगवान रैली में विद्यालय के 5 विद्यार्थियों ने श्री राम दरबार की झांकी में भाग लिया था। इन सभी विद्यार्थियों को आज मेडल पहनाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला व्यवस्थापक ओम प्रकाश गोसाई, स्थानीय समिति के सदस्य राम गोपाल शर्मा, चूरू संकुल प्रमुख किशनलाल सैनी आदि उपस्थित रहे। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आगे झुकना और पीछे झुकना बहुत शानदार रहता है, लेकिन एक सबसे बेस्ट है वो है ट्विस्ट, दोनों तरफ घूमना। ये इसलिए जरूरी है, एक तो कमर दर्द में ट्विस्टिंग जो है लाभदायक रहेगी, कब्ज में आपके आंतों को मोड़ने से चिन्ह निचोड़ने से जो है कब्ज टूटेगी, और तीसरा ब्लोटिंग गैस जिनको रहती है उनके लिए। तो ये ट्विस्टिंग कैसे करना है, देखिए बैठ गए, बैठकर दोनों हाथों से प्रेशर करते हुए साइड में घूमना। शुगर में भी ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि इससे पेंक्रियाज और लीवर को भी एक निचोड़ मिलता है। तो ये बहुत लाभकारी क्रिया है। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाना, श्वास भरते हुए सामने आना दोनों हाथों के सपोर्ट से, और राइट साइड में जाना श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए सामने आना। अब यहां पर मूल बात है स्टे की, आप कितनी देर इसमें स्टे कर पाते हैं, तो इसको स्टे करिए 10 सेकंड कम से कम स्टे करके, फिर उसके बाद में इसको करिएगा, लाभ मिलेगा, आनंद। रतनगढ़ मेघवाल मुक्तिधाम के संत भीमा शंकर गिरी महाराज का मंगलवार की रात देवलोक गमन हो गया। सूचना पर समाज के लोग मेघवाल मुक्तिधाम पहुंचे तथा आज उनकी बैकुंठी निकाली गई। मोक्ष वाहिनी के साथ शहर के गोसाई धोरा, सोडाबाद, सिनेमा हॉल, चुंगीनाका होते हुए बैकुंठी पुणे मुक्तिधाम पहुंची, जहां पर संत मस्तगिरी महाराज, रेवंत गिरी महाराज व साध्वी संतोष भाई के सानिध्य में संत भीमा शंकर गिरी के शरीर को समाधि दी गई। संत 40 वर्षों से मुक्तिधाम की देखभाल कर रहे थे तथा उन्होंने मुक्तिधाम के विकास के लिए कई कार्य किए थे। इस दौरान पूर्व पार्षद श्रवण कुमार सोडा, जगनाराम सोडा, भागीरथ सोडा सहित काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। चूरू के नई सड़क स्थित स्माल वंडर चिल्ड्रन एकेडमी के प्रांगण में संस्था के फाउंडर डॉक्टर सुशील शर्मा की पुण्य स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन हुआ। इस दौरान कथावाचक ओम प्रकाश शर्मा को यजमान परिवार द्वारा पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। कथा में उद्धव गोपी संवाद, सुदामा चरित्र व संपूर्ण भागवत कथा सार रहा, जिसे झांकियों द्वारा चरितार्थ किया गया। क्षेत्र में लाडो को घोड़ी पर बैठाकर बंदोरिया निकालने की अनूठी पहल चल रही है। बेटा और बेटी के भेद को मिटाने के लिए शुरू हुई यह पहल अब परवान चढ़ने लगी है। ऐसा ही आयोजन बीती रात रतनगढ़ के वार्ड संख्या 25 में देखने को मिला। मोटाराम बबेरवाल की पोती ममता को शादी से पहले घोड़ी पर बैठाकर बंदोरी निकाली गई। फार्मासिस्ट डेटराज बबेरवाल ने बताया कि यह समाज के लिए अच्छी पहल है। चूरू नगर परिषद के मनोनीत पार्षद एवं कोम काजियान के सदर संजय भाटी की ओर से आज रोजा इफ्तियारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैयद अबरार हुसैन कादरी ने कहा कि रमजान का महीना इबादत, रहमत और बरकत का महीना है। इस पवित्र महीने में हमें अधिक से अधिक पुण्य के कार्य करने चाहिए। सभापति पायल सैनी ने कहा कि इस महीने में अधिक से अधिक जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इस अवसर पर पूर्व पीएमओ डॉ. एफएच गोरी, एडिशनल सीएमएचओ डॉ. एहसान गोरी, इंजीनियर सुरेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। 12वें रमजान पर रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम हाजी रोशन अली जी भाटी के घर पर उनके बेटों ने रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम कराया। आज उनकी बरसी भी है, इसका भी मौका है, और माह रमजान का ये पाक महीना इसमें रोजा इफ्तारी करवाई गई। शहर के सभी गणमान्य नागरिक और सर्व समाज के लोग इस रोजा इफ्तारी में आए और देश के अमन चैन के लिए दुआ की और अच्छा रोजा इफ्तारी किया।
सरदार शहर के राजकीय विद्यालय नंबर 1 में वार्ड नंबर 8 व 9 के लिए आयोजित नगर पालिका आपके द्वार जन सुनवाई कैंप में आज पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने मौके पर उपस्थित रहकर जन सुनवाई की और रोशनी सफाई आदि समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। पालिका अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि कांग्रेस की नगर पालिका बनने के बाद पट्टे बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। इन वार्डों के बीच बनी मुख्य गैरानी में एसटीपी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। शिविर में वरिष्ठ सहायक शुभकरण भाट, जेईएन सीताराम मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मुकेश लोहरा आदि ने अपनी सेवाएं दी। रतनगढ़ पुलिस ने टोपीदार बंदूक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के कब्जे से बंदूक को जब्त कर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि एएसआई सुरेश कुमार गश्त कर रहे थे, उनके साथ कांस्टेबल जगदीश, मुकेश कुमार, राम प्रसाद व बजरंग लाल भी साथ थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मैनासर की रोही स्थित खेतों में एक बावरी बंदूक से जानवरों का शिकार कर रहा है। सूचना पर पुलिस मैनासर पहुंची, जहां पर गांव के खेत में एक व्यक्ति कंधे पर टोपीदार बंदूक लिए हुए खड़ा दिखाई दिया, जिसने पुलिस की जीप को देखकर अपनी जेब से पाउडर जैसा कुछ पदार्थ बिखेरते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सजगता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और गिरफ्तार कर थाने ले आई। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर राजेंद्रसर पुलिस ने अवैध शराब को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्रसर थाना अधिकारी रतनलाल निजी वाहन से गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर ने अवैध शराब के परिवहन को सूचना दी, जिस पर पुलिस लूणासरा सड़क मार्ग पर पहुंची तो एक व्यक्ति सफेद शर्ट एवं काली पैंट पहने हुए प्लास्टिक का कट्टा लेकर जा रहा था। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिस पर कांस्टेबल संदीप ने सजगता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने अवैध शराब को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रतनगढ़ तहसील के गांव भानुदा में अपनी अंधी मां के साथ सो रही एक नाबालिगा लापता हो गई। परिजनों ने सब जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस संबंध में बालिका के 26 वर्षीय भाई ने राजेंद्रसर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजेंद्रसर पुलिस ने बताया कि भानुदा निवासी 26 वर्षीय युवक ने रिपोर्ट दी कि बीती रात उसकी बहन अपनी अंधी माँ के साथ सो रही थी। देर रात जब उठकर देखा तो वह नहीं मिली। सब जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।